हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ शिवरपाल। चलिए आज बनाते हैं शलगम मटर। अब ये शलगम मटर जो है ना, डेफिनेटली आपके घर में सर्दियों में बनना चाहिए, क्योंकि इतना मज़ेदार है ये, पूछिए मत। और बहुत लोग उपवास में, जो लोग आलू नहीं खाते वो शलगम खा सकते हैं, ठीक है जी। टेस्ट जो है इसका बड़ा यूनिक होता है। आजकल हम वसाबी वसाबी फ्लेवर ढूंढते हैं, शलगम इज नियर टू दैट फ्लेवर। कुछ कुछ शलगम बहुत शार्प होते हैं खाने में, कुछ मीठे होते हैं और मूली की तरह टेस्टी होते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत हेल्दी। चलिए काट लेते हैं। और अब दो चीज़ें इसमें और काट के रख लेते हैं। रेसिपी बहुत सिंपल रखते हैं, ठीक है ना। ये वाली चार मिर्चें ले लेते हैं, इस तरह से मोटी मोटी काट लें, ताकि अगर आपको नहीं लगती सही तो आप अलग कर सकते हैं, राइट। थोड़ा अदरक ले लेते हैं, इस तरह से बारीक काट लें। तैयार। अब ये रही हमारी कढ़ाई। सर्दियों में जब खाना बनाए ना, तो देखिए दो चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, या घी या सरसों के तेल का। तो यहाँ मैं घी इस्तेमाल कर लूँगा, एक बड़ा चम्मच। खाने में जो स्वाद है ना, वो बहुत बढ़िया होता है, राइट। और ये लीजिए इसको, अब घी में थोड़ा सा पहले हम हींग डाल लेंगे, एक चौथाई छोटा चम्मच। और ये रहा जीरा, एक छोटा चम्मच जीरा डाल लेते हैं। अदरक ये डाल लेते हैं। मिर्चें जो हमने काटी थी ये डाल लेते हैं। बहुत सिंपल वाली रेसिपी, भून लेते हैं इसको 30 सेकंड तक। उसके बाद शलगम ये डाल लिया, ये इसके साथ हरे मटर, ये भी ताजे हैं, ये मैंने फ्रोजन नहीं लिए, समझ रहे। और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ज्यादा नहीं, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, आमचूर पाउडर ये आधा छोटा चम्मच डाल लें, खटास आपको पसंद है तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच ये लीजिए, और नमक शमक करिएगा, नमक डालेंगे तो ठीक है, घर पे ज़रूर करिए नमक शमक, ठीक है। ये लीजिए, आप इसको भूनना शुरू कर देते हैं। अब जब मसाले डाले हैं तो ये चीज़ याद रखिए कि आपने करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, ताकि ये शलगम और मटर धीरे धीरे पकते रहें और सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। वैसे शलगम जैसे मैंने आपको बताया कि अपने आप खा सकते हो, वैसे इंग्रेडिएंट है, लेकिन लोगों को सॉफ्ट पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगा और ढक ढक के पकाते रहूँगा। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालूँगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और पकाते रहे। जब तक शलगम सॉफ्ट नहीं होता, हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। इसको मैं ढक लेता हूँ। तो जी आइए चेक कर लेते हैं। वाह, ये रही बढ़िया सब्जी। थोड़ी सी और ड्राई कर लेंगे, ताकि आपको पूरा मजा आए। अच्छा, इसमें चेक क्या करना है, चेक करना है शलगम को। ये देखिए आसानी से बिल्कुल आप प्रेस कर पा रहे हैं,
और मुझे इस टेक्सचर तक ही शलगम अच्छी लगती है, तब तक मैं काम करता हूँ। थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए रख लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। वाह, आइए आप ये धनिया डाल देते हैं इसमें। ऑनेस्टली जितना मैंने धनिया डाला इसकी डबल क्वांटिटी भी डालेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये देखिए हम इसको निकाल लेते हैं, सब्जी परफेक्ट सिंपल एकदम मज़ेदार, राइट, परोसने के लिए। और ये ले लेते हैं, आइए। वाह, सिंपली एक्साइटेड अबाउट दिस। ये लीजिए जी, धनिया रख दें ऊपर। इस सब्जी में एक काम और करिएगा ज़रूर, ये बीच में थोड़ा देसी घी डाल दीजिए। और अजी ये सब्जी अगर मिल जाए पराठे और फुलकों के साथ, पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा, आप खाना खाते खाते रुकेंगे नहीं। सर्दियों का यही तो मज़ा है, कसरत करना मत भूलिएगा। खाने में तो हम कसर नहीं छोड़ते।